नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे टोक्यो शहर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो शहर जापान की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो अपने निरंतर विकास और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। टोक्यो का क्षेत्रफल विश्व का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। टोक्यो लगभग 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। टोक्यो विश्व के सबसे विकसित नगरों में से एक माना जाता है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी महानगर है। टोक्यो की आबादी 3.7 करोड़ से भी ज़्यादा है। टोक्यो के हर एक वर्ग किलोमीटर में करीब 6,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, टोक्यो की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था है। अकेले टोक्यो की GDP 1500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। टोक्यो का नाम पहले इडो हुआ करता था, जिसका जापानी अर्थ है मुहाना। दोस्तों, टोक्यो एशिया का पहला शहर है जहां 2 बार ओलंपिक हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्काई वॉक भी टोक्यो में ही है। टोक्यो के हर 12 मीटर की दूरी पर एक वेंडिंग मशीन उपलब्ध है। दोस्तों, दुनिया का सबसे व्यस्त सी फूड मार्केट टोक्यो में ही है। टोक्यो शहर की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। टोक्यो होन्सु द्वीप पर बसा हुआ है। दोस्तों, दुनिया की सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन टोक्यो में है, जिसमें 36 प्लेटफॉर्म है। टोक्यो में टॉप ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 51 कंपनियों के मुख्यालय हैं, जो कि दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, टोक्यो का टोक्यो टावर पेरिस के एफिल टावर से 13 मीटर ऊंचा है। टोक्यो का अरागवा रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। टोक्यो का रिट्ज कार्टलन होटल दुनिया की सबसे महंगी होटलों में से एक है, जहाँ एक रात का किराया करीब $25,000 है। दोस्तों, टोक्यो का डिज्नीलैंड पार्क अमेरिका के बाहर डिज्नी का पहला पार्क है। अब तक सबसे लंबा कंसर्ट टोक्यो में हुआ है, जो करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा देर तक चला। टोक्यो में कुछ होटल ऐसे भी हैं जिनके रूम रेफ्रिजरेटर के जितने ही होते हैं। 1944 से 54 में टोक्यो में हुए धमाके में करीब 75,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद भी नगर अविश्वसनीय रूप से विकसित हुआ है। दोस्तों, टोक्यो का शाही महल जापान के राजा का आधिकारिक निवास है। टोक्यो में ही सुमो खेल से जुड़ा एक संग्रहालय है, जिस समारोह के दौरान पहले जाने वाले कपड़ों, सुमो वस्त्रों और रेफरी के पैडलों को प्रदर्शित किया जाता है और प्रसिद्ध रेसलरों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ टोक्यो के बारे में ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।